ओके जनाब, तो आज का मैं भी ऐसी ब्लॉगिंग करना चाहती हूँ, चाहती हूँ हम दोनों ऐसे ब्लॉगिंग करें। इतना बोलती हूँ करती ही नहीं हूँ आप। तो भाई आज का ब्लॉग बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है और अर्सलना को जो है ना वो एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट दिया है। और वो क्या दिया है ना, खुद को गिफ्ट दिया है लेकिन वो क्या है वो देखने के लिए आपको पूरा ब्लॉग देखना पड़ेगा माशाल्लाह से। और बड़ी प्यारी सी जो है ना वो चीज़ ली है उन्होंने। अर्सलना दिखा तो दो मेरे सारे भाई, इनकी वाइफ आपकी। एवरीवन अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करती हूं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूं। एंड आज हम लोग जा रहे हैं भाई शॉपिंग पे डॉलमेन मॉल। सो आज बेसिकली हम लोग जो है ना एक दूसरे को शॉपिंग कराएंगे सिस्टर्स। हम लोग हमेशा हर साल जो है ना ऐसा होता है कि मैं तो खैर बड़ी हूं, मैं तो पूरे घर वालों को सबको शॉपिंग करवाती हूं, सारी चीजें करती हूं। अर्सलना हमारी हालांकि छोटी है लेकिन उसके बावजूद उसका भी यही होता है और एनी का भी यही होता है। हम सब एक दूसरे को शॉपिंग करवाते हैं, एनी हमें कराती है, हम एनी को कराते हैं, फिर हम दोनों एनी और मैं मिलकर अर्सलना को कराते हैं, अर्सलना हमें कराती है। तो ये सब चलता रहता है और इसी का मजा होता है और इसी का होता है ईद। सो बस वो सब करने के लिए आज हम जा रहे हैं। होपफुली हमें पसंद आ जाए, जानबूझ के नाटक कर रहे हैं हम लोग जो है ना, कुछ नहीं ले रहे हैं कि बस वो होता है ना कि ईद पर ही लेना है, वो चांद रात पर ही लेना है या चांद रात से एक दो दिन पहले लेना है, तो वो वाला हमारा ना फेस चल रहा है। सो बस अभी एनी अर्सलना मुझे लेने के लिए आने वाली है नीचे और फिर उसके बाद मम्मा की तरफ जाएंगे, बच्चों को ड्रॉप करेंगे। ऑफकोर्स बच्चों को ड्रॉप करेंगे क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा रश है। मैं 2-4 बार बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह लेकर गई हूं लेकिन बहुत बहुत रश होता है, इट्स नॉट सेफ और बस ये वाला सीन है। सो चलो चलते हैं और आज मजेदार सा व्लॉग होगा, हमारे साथ रहेगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर किसी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लो जल्दी से, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि सारे लेटेस्ट व्लॉग्स मिल जाए। ओके गाइस, सो हम लोग निकल रहे हैं भाई डॉलमेन मॉल के लिए। अर्सलना नीचे आ रही है, एनी भी हमारे साथ है और मैं खुद भी हमारे साथ हूँ और ऊपर नीचे से मुझे लोग देख रहे हैं। हेलो हाय, महंगी महंगी शॉपिंग। ओके गाइस, तो हमें जबरदस्ती यहाँ शॉपिंग के लिए लाया तो गया है अर्सलना की तरफ से लेकिन अभी आई डोंट नो। सुनो यहाँ पिक्चर होनी चाहिए यार, अर्सलना यहाँ पिक्चर तो ले दो अच्छी सी। हाँ यार ये मुझे लेना है, ये मिल रहा है सुना है अजान के साथ ना, ये देखो ऐसे हैंड एंड हैंड आप आराम से बच्चों के जो है ना हाथ में एक बांध दो और एक अपने हाथ में बांध दो तो ये बड़ा जबरदस्त रहता है बच्चों के साथ। ये आप देखो सामने वो जो बच्ची बांध के जा रही है, जबरदस्त चीज है भाई, फिर भी मैं बच्चे को नहीं लाऊंगी। शॉपिंग चल रही है अर्सलना के साथ। ओके जनाब, सो हमने लेने थे कुछ गिफ्ट्स वगैरह तो वो हमने ले लिए हैं। हमारे प्यारे से जीजा के लिए कुछ लेना था, हमें वो लिया है और बाकी हमने लिया है अपने भाई के लिए सूट वगैरह। और क्योंकि फर्स्ट डे जो है ना वो हम सब चाह रहे हैं कि ट्यूनिंग कर लें। मेरे बच्चे और मेरे शौहर तो ब्लैक पहन रहे हैं, अब देखते हैं कि मैंने जो है ना वो जीजा के लिए भी ब्लैक और ब्लू दोनों लिया वो कौन सा पहनेंगे। नहीं वाइट लिया है मेरे ख्याल से, बाकी खुस्से और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो है ना वो लगी हुई हैं डॉलमेन में। लेकिन चलो जितना एक्सपेक्टेड था ना कि रश बहुत ज़्यादा हमें मिलेगा लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उतना ज़्यादा रश नहीं है। और यार ये इनका डिस्प्ले देखो, एनी इनका डिस्प्ले देखो ये वाला हाँ डंडा लगा के, अच्छा डिस्प्ले है यार कसम से अच्छा। सो मेरा तो भाई वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड है जुनेद जमशेद, मैं उसी के परफ्यूम्स ले लेती हूँ, उसी के ही सारे जो है ना वो कपड़े शपड़े ले लेती हूँ, हम खुद भी ज़्यादातर उसी के ही पहनते हैं। और अर्सलना यहाँ पर टैल लगाते हुए पूरे डॉलमेन मॉल में
रश नहीं है, नहीं यार वो मजा नहीं आ रहा है, कहाँ चलने में हमें नहीं आ रहा है, पानी आ रहा है, हमें मारा मारी चाहिए थी, रश चाहिए। मेरी फेवरेट ब्रांड में चलते हैं जो मैंने तुम लोगों को बताया है कि गुर्दा फेफड़ा। यार कसम से मैं तो डिप्रेशन की शिकार हो गई हूँ, ये बैग मांगी है मुझसे अरसलना ने 29,000 रुपये का है। मैंने बोला बेटा मैं अभी जो है ना ट्राई कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, अभी बड़ी यूट्यूबर बनी नहीं हूँ कि मैं तुम्हें 29,000 रुपये और 50,000 रुपये के बैग दिलाऊँ। 10-12 हज़ार समझ में आता है, बट 50-50 हज़ार के बैग अभी फ़िलहाल नहीं दिला सकती मैं। लेकिन यार ये ब्रांड ना अरसलना को बहुत पसंद है, ठीक है, डियोन लंडन करके एक ब्रांड है, इसकी बर्थडे पे देंगे इंशाल्लाह यहाँ से, अल्लाह ने चाहा तो। मैं तब तक पैसे जमा करूंगी और फिर इसको मैं इंशाल्लाह दे दूंगी, मुझे अपनी दोनों से दिलवाएंगे इंशाल्लाह। बस दुआ करो तुम्हारी बर्थडे तक अल्लाह ताला मुझे इतने पैसे दे, खुद मत लेके आना कि मैं तुम्हें जो है ना इस ब्रांड का दिलाऊंगा, क्योंकि इसको भाई इस ब्रांड की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। इसको हल्की चीज़ें वैसे भी पसंद नहीं आती मेरे भाई, क्या बोल सकते हैं, क्या ही कर सकते हैं। ओके जी, सो अब हम लोग आ गए हैं खाड़ी, जो कि हमारा फेवरेट ब्रांड है। अब यहाँ से हमें आई होप कि कुछ मिल जाए, वरना ऐसा ना हो कि हमारे पास कुछ हो ही ना। मुझे यहाँ पे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा डॉलमेन मॉल में, प्राइजेज आर क्रेजी हायर प्राइजेज। जो मुझे सूट पसंद आ रहे हैं वो 30-40 हज़ार के, वो आई कैन नॉट अफोर्ड। और मैं अपनी बहन को बेवकूफ़ भी नहीं बना सकती अपनी बहन को मैं पागल नहीं बना सकती, ठीक है। तो इसी वजह से आई थिंक वी विल गो टू द तारिक रोड, हम वहीं तारिक रोड पर जाएंगे और वहीं से ही लेंगे, और वो भी ज़्यादा रीज़नेबल है। अगर चलो हम 10-15 हज़ार का सूट ले रहे हैं, लगे तो 10-15 हज़ार का सूट है, यहाँ पे 50 हज़ार का सूट भी भाई मेरे हिसाब से नहीं है। तो ये सीन है, हम जाएंगे तारिक रोड और तारिक रोड से लेंगे। तारिक रोड पर आपको अच्छे लग्जरी कपड़े रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएंगे। ऐसे वो जो अरसल ना, वो जो मॉल के अंदर हमने उस दिन देखे थे ड्रेसेस, मॉल के अंदर जो ड्रेसेस देखे थे है नी, वो जो बहुत ही अच्छे अच्छे से बने हुए थे। नहीं, हम उस दिन सिर्फ तफरी करने गए थे, हमें उस दिन नियत नहीं की थी हमने। वो वाले बहुत अच्छे, बहुत ज़बरदस्त हैं। अभी मैंने नियत कर ली है कपड़े लेने की, तो इंशाल्लाह अब मैं कपड़े ले लूँगी। यार मेरा दिल नहीं करता, बहन तो मेरी है भले, लेकिन अच्छा नहीं लगता मुझे पैसे खर्च करवाते हुए। लेकिन ईद है, जाहिर है दिला रही है, दिल से दिला रही है, मैंने भी दिलाए इसको, मैंने भी जो इसको दिलाया अच्छा वाला दिलाया। लेकिन मैं आपको अपने स्लिपर्स की शॉर्ट दिखाती हूँ, जाने इस दिल का हाल क्या होगा, तेरा वादा अगर अदा। मुझे इससे ना वो खफा होगा, मुझे इससे क्या याद आता है, वो गड्डी याद है, वो गड्डी 100-100 की वो जो उड़ा दी थी भाई अरसलना के एक फैन ने भाई, कवालियाँ चल रही थी और भाई 100 की गड्डी देर मारी उड़ा दी इसके ऊपर भाई फैन ने। क्या फैन था भाई, क्या फैन था, उड़ाई भी ऐसी थी उसने मेरे मुंह पे लगे थे। और मैं नीचे खड़ी भी देख रही हूँ भाई, मुझे दे देता, मैं इसकी बहन हूँ यार, मैं तुझे मना देती इसके लिए, मुझे दे देता यार। क्यों इतना लो फील कर रही हूँ, अच्छा पीछे हम बर्गर क्लॉक का बर्गर ले रहे हैं और बस ये सीन है सारा। पता नहीं एकदम ना ऐसे नींद टाइप्स आ रही है, दिल कर रहा है सो जाऊं। बच्चों की वजह से आज आपको पता है मैं बिल्कुल भी सोई नहीं हूँ। मैं जो है ना तकरीबन भी मुझे सुबह से जागते जागते लेट ही थी, आंखें बंद थी पर नींद नहीं आ रही थी, उलझन हो रही थी। फिर पीआर पार्सल आए हुए थे 2-3, वो रिसीव करे तो 1:30-2 बजे मैं सोई हूँ और फिर उठ गई मैं 4 बजे। बच्चों की वजह से नींद पूरी नहीं होती। कितनी देर लगेगी जनाब? सो बस यार आज मजा आना था, मजा तो आ रहा है, लेकिन ये है कि वो कुत्ते वाला रश नहीं है, धक्के नहीं खाने पड़े। वैसे तो खैर आप डॉलमेन में धक्के ज्यादा खा भी नहीं सकते हो, लेकिन फिर भी मुझे धक्के खाने होते हैं ना। अभी मैं धक्के खाने इसको तारिक रोड लेकर जाऊंगी, क्या तुम चलोगे हमारे साथ धक्के खाने? जाना तो पड़ेगा क्योंकि कपड़े लेने इसका दिल है कि अभी अभी ही क्लियर कर दो, गंदा कर देंगे। ग्रीन टी यार मुझे सूप याद आ रहे हैं, लेकिन अब तो यकीन करो हमने इतना सूप पिए हैं और इतना फिश खाए हैं कि अब हमारा सूप और फिश से ईमान उठ गया। Thank you.
वक्त हम लोग पी रहे हैं माई फेवरेट ब्रांड लिप्टन की चाय एंड इनके पास ग्रीन टी भी है। प्राइजेस इनके बड़े रीजनेबल है। उस दिन मैंने पी थी यार पिपी की, देर वॉज 300 समथिंग तारिक रोड गवर्नमेंट मॉल से। बहुत महंगाई हो गई है यार। ये ठीक है, अच्छी है, ज़बरदस्त है। कल तो हमने जो है ना वो चाय पी थी और आलमगीर पे, इतनी गंदी चाय थी। और उसके बाद जो है ना वो मेरी पूरी सहरी ऐसी हो गई थी कि मैं क्या बताऊँ। दिल चाह रहा था कि पानी पी लूँ मैं। फौरन से जब हमने रोज़ा रखा था तो बड़ा सैड सीन था। मोमोज भी पीछे मिल रहे हैं, मैंने अभी मोमोज देखे हैं। एनी असल ना कि बहुत ज़्यादा गुफ्तगू चल रही है और मैं इतनी कम्फर्टेबल फील कर रही हूँ ना, जो मैं पहन कर आई हूँ उसमें इतनी कम्फर्टेबल फील कर रही हूँ मैं बता नहीं सकती हूँ। जानबूझ के मैं वो नहीं पहन कर आई थ्री पीस सूट, क्योंकि फिर वो नहीं सही रहता मेरे हिसाब से। एंड यस, रश उतना ज़्यादा है नहीं, एवरेज रश है, ऑल गुड, वेदर इज़ फाइन। ओके गाइस, सो हम लिफ्ट में फुल छिजोरबंद करते हुए, तफरियाँ करते हुए फ्री हो चुके हैं और नाउ वी आर गोइंग टू शॉप समथिंग एल्स। एंड अगेन बड़ा मज़ा आया मुझे आप सब लोगों से मिलकर, इन्जॉय हो गया। मैं इतनी एक्साइटेड हूँ ना अजान की एजुकेशन के लिए। अजान कब स्कूल जाएगा, अजान की स्कूलिंग में फिर मैं सारी चीज़ें खरीदूँगी, उसकी बुक्स, उसकी सारी चीज़ें, उसके लिए इतनी एक्साइटेड हूँ। वैसे आपस की बात है, खुद कमाकर अपने ऊपर लगाने की भी बात ही अलग है। खुद मेहनत करो, अगर कोई चीज़ चाहिए तो उसके लिए मेहनत करो और फिर खुद खरीदो अपने लिए, अगर कोई आपको देने वाला नहीं है। सो जस्ट लाइक आवर सिस्टर्स, अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करते हैं और खाते हैं। ओके गाइस, सो फाइनली हमारी जो है ना वो शॉपिंग हो गई और अरसलना ने करने बहुत क्या प्यारी और कर क्या रहे हैं, यही होता है हमेशा और यही अजल से होता आया है। पायल लिए बहुत ही प्यारी। ओके जनाब, सो आज का मैं भी ऐसी ब्लॉगिंग करना चाहती हूँ, चाहती हूँ हम दोनों ऐसे करो। मैं तो कितना बोलती हूँ करती नहीं हूँ आप। सो भाई आज का ब्लॉग बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है और अरसलना को जो है ना वो एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट दिया है। और वो क्या दिया है ना, खुद को गिफ्ट दिया है, लेकिन वो क्या है वो देखने के लिए आपको पूरा ब्लॉग देखना पड़ेगा माशाल्लाह से। और बड़ी प्यारी सी जो है ना वो चीज़ ली है उन्होंने। अरसलना दिखा दो मेरे सारे, इनकी वाइफ आपकी अच्छे लगते हैं मेंस के। वैसे भी मैं तो यूज ही मेंस की सारी फ्रेग्रेंस करती हूं। ओके जी, सो भाई हमने फाइनली हम लोग गए थे जो है ना वो ब्रांड पे क्या करवाने के लिए, पेरिसिंग करवाने के लिए। अरसलना ने बोला यार मेरी पेरिसिंग करवा दो, लेकिन क्या है कि इनके पास गन से होती है और हमें सरवाना से करवानी है नाक पे। तो बस बैठे बैठे फिर जो है ना हमने जो पसंद है वो लो। अच्छा नहीं, मल्टी तो खैर नहीं, मुझे तो गोल्डन ही चाहिए। मुझे नजर आ गया, मैं जाते जाते एकदम से मुझे बैग या लोग तुम्हें नजर ही आ जाते हैं। हाँ मुझे लोग बैग सब नजर आते हैं। सो मैं काफी टाइम से देख रही थी कि यार ये वाला बैग मुझे कहीं मिल जाए। बॉक्स से जो है ना अरसलना उस दिन दिला रही थी, लेकिन वो मैंने लिया नहीं था। वो मेरे ख्याल से 8000 समथिंग का था, लेकिन ये ज्यादा अच्छा। अब मैं ना वो नहीं लूंगी अरसलना, मेरा हो गया। अरसलना चीजें दिखेंगी ना, बट बहुत प्रिटी है यार, तुम पसंद है, वेरी प्रिटी। इसके प्राइस बहुत प्रिटी है यार, ये ले सकती वैसे हम, नॉट बैड। जी ईद वाली ड्रेस के लिए कैसा है ये? उसको कुछ डालने की जरूरत नहीं है। ये भी क्यूट है, ये भी क्यूट है, ये खोलने का मन कर।
यूज इसको हाथ में लेके दिखाना, सिल्वर को हाथ में। माय गॉड लुक एट दिस गाइस, लुक एट दिस, कितना प्रिटी लग रहा है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। वो तो मुझे अभी जाते जाते ही शॉप नजर आई है। इसके प्राइस क्या है यार? 5,500। रीजनेबल है यार। और सुन ना, ये भी बहुत प्यारा है। लेकिन नहीं, तुम्हारे हिसाब से वो वाला तुम्हारे हाथ पे ज़्यादा प्यारा लगा, छोटू वाला। वैसे तो ये भी बहुत अच्छा है, बात कर दी तुमने यार। एमन अभी गई थी ना उस पे तार पर, ये जाएगा खादी वाले ड्रेस पे। बॉस ये तो तुम्हारा बहुत सारी चीज पे जाएगा ना। प्राइस से क्या फर्क है? अब आऊंगी अपने यार की गाइस। तो मैंने जो है ना वो गोल्डन वाला डन करवाया है। बाकी बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन है। ब्रांड नेम इसका क्या है? हम लोग इस पर गॉर्डन वॉकर है, मास ब्रांड नेम है इनका। और वो जाते हुए मुझे बस थोड़ा सा कुछ अच्छा लग गया। मतलब आपको आराम से 8-10 हज़ार रुपये में अच्छे अच्छे बैग मिल जाए। ले ले मेरी जान, मैं दिला देती हूँ। ले लो, देखो लग तो प्यारा है। लूँगी कहाँ लेकिन, अभी क्या, अभी दिला दूँ? नहीं नहीं, तुम्हारी बर्थडे ये ज़्यादा हो गया, तुम टेंशन नहीं। चलें मेरा एक बैग खरीद। गाइज हमने जो है ना वो कपड़े लेने थे ईद के, लेकिन कपड़ों की जगह हमने अपनी बहन से ना बैग ले लिए, क्योंकि हमें 4-5 कपड़ों के दाम में जो है ना वो एक बैग मिल गया। मुझे भी यही लग रहा है। और कपड़े सब पड़े हुए हैं हमारे पास, बैग्स ले लेते हैं। थैंक यू अरसलना, थैंक यू सो मच, आई लव यू अरसलना। नहीं अरसलना काफ़ी है, सना थैंक यू अरसलना। इन बैग्स के लिए पार्टी रखूंगी उसमें, आओ करीब आओ। थैंक्स कुर्ता चाहिए ना, मुझे कुछ और चाहिए। तुमने एक चीज ही ऐसी जबरदस्त दिला दी है। गाइज मैं इतनी एक्साइटेड हूँ ना अपने इस बैग के लिए। ये मतलब मेरा अब तक का जो है ना, ये मतलब थर्ड बैग है ऐसा जो काफी एक्सपेंसिव हो गया है। इससे पहले भी अरसलना नहीं, वो दुबई से ला के दिया था, और एक काशिफ ने ला के दिया था मुझे। थर्ड वाला है ये हमारा, लेकिन बड़ा ही जबरदस्त है यार। हाँ हम इसीलिए ना अरसलना से लड़ाई नहीं लड़ते ईद वगैरह में, क्योंकि अरसलना बाजी से हमें जो है ना वो शॉपिंग करनी होती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक नजरबंद से बचाए, अल्लाह पाक इसको और दे, अल्लाह पाक हर बहन को दे, अल्लाह पाक हमें भी बहुत दे, हम भी दूसरों को दें और अपने घर में सबको दें। आमीन सुमामीन। सो यस, मज़ा आ गया यार, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आई एम सॉरी, मे बी आप लोग बोलोगे कि शायद जाहिल पहली बार जो है ना कुछ लिया है, लेकिन नहीं लेती यार मैं। गाइस थर्ड टाइम हमारी बहन जो है ना वो अपनी नोज है, वैसे इनकी मैं देख रही हूं तीन बार दो बार मेरी ईद तो मेरी तो माशाल्लाह सही है जान। हां ना, उसकी वो कर के ना थर्ड, हां थर्ड टाइम एनी की हम जो है ना वो बहुत ऊपर ही होगी, तो नाक छिदवाने लगे हैं भाई। ऊपर उरुज बहुत ऊपर हो गए हैं। करवा लो, तुम लोग तो चाहती हो मैं बड़ी दिखूं। बिस्मिल्लाह, शुक्र है इंसान की बच्ची शादीशुदा लग रही हो। मुबारक हो शादी। अपनी बहन को थोड़ा सा हौसला देने के लिए कि ये जो है ना करवा रही थी ये इस जगह पर, ठीक है, सिर्फ इसको हौसला देने के लिए मैंने अपना जो है ना ये करवा लिया है, ठीक है। ये आप लोग देख रहे हो फाइनली। ओ माय गॉड गाइज, इस कदर फैशन में आग लगी हुई थी, इस कदर फैशन में आग लगी, नहीं बिल्कुल सही जगह पर है, यहीं पर ही होता है। सो एक यहाँ पर मेरे हुई हुई थी, पेरिसिंग अरसलना ने करवाई है, और एक मैंने यहाँ करवाई है। सो स्टिल आई रिमेम्बर कि ये जो है ना मैंने पहले भी करवाई थी ये वाली, लेकिन ये अलाउ नहीं था व्हेन आई वाज वर्किंग, उधर अलाउ नहीं था कि आप ये करवा सकते हो, तो ये मुझे बंद करवानी पड़ गई थी। एंड फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दोबारा से आज ये करवा लिया, एंड इंशाल्लाह ये सारी ज़िंदगी रहेगी, अभी कोई है नहीं जो बंद शन करवाए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सो यस, जब हम जॉब करते थे ना, तो मैंने किधर है, मैंने ये करवाया हुआ था जब हम जॉब करते थे, तो ये बंद करवा दिया था फोर्सफुली। हाँ नहीं नहीं, उस वक्त अलाउ नहीं था, वो होती हैं आपकी जॉब की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ऐसी कौन सी रिक्वायरमेंट है, ये जरा सा एक तिनका अलाउ होता है, होता है होता है, जॉब की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो ये बंद करवा दिया था। एंड फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से करवाया, एंड इट्स फील लाइक माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा दुख सहाय है नहीं है, दोबारा से ये दुख सहाय। अच्छा उस वक्त भी मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की थी याद होगा, तो फिर मुझे ये अलाउ कर दिया था, है ना, सिर्फ तुम्हें किया था और किसी को नहीं किया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी ओके जी, सो हो गई है हमारी सारी शॉपिंग। अच्छा सो हमारा क्या था यार, ये अदला बदली बहुत करते हैं,
मुझे आज तक याद है, एक हमारे बॉस होते थे वो जो है ना हमेशा नफरत करते थे देने और लेने पे गिफ्ट्स, तो कहते थे दो फिर लो, वो दे देते थे लेते नहीं थे, तो वो कहते थे कि अदला बदला करते हो तुम लोग, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट अदला बदला ही होता है। बहरहाल खैर चुच्चू के पापा वो खुला हुआ होगा अभी, अच्छा ओके सो चलो एक ही बात है, प्राइजेस आर तो सेम। मैं तो भाई क्या हो, सही है तुम सही कह रही हो क्योंकि आगे और बहुत ज़्यादा रश हो जाएगा। सो भाई हम लोग जो है ना अभी बहुत ही जज्बाती हो गए, हम सोच रहे हैं कि अभी ही हम तारे की ओर चले जाएं और वहाँ से हमें कुछ जो है ना मिल जाए, लेकिन मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि हम बहुत थक जाएंगे मेरे ख्याल से या नहीं। बस फिर सही है। सो अभी हम लोग जो है वो क्लिफ्टन से आ गए हैं तारिक रोड पर, क्योंकि हमें यहाँ से कुछ चीज़ें लेनी थी, और ये वाला जो आज का व्लॉग है थोड़ा सा लंबा होने वाला है। और जैसे ही हम यहाँ पर एंटर हुए हैं और दोबारा से मुझे वो पुलिस वाले भाई मिल गए, और उन्होंने जो है ना फिर मुझे बात करवाई अपनी वाइफ से कि वो जो है ना मेरी वीडियोज़ देखती हैं, तो बड़ा मज़ा आया उनसे गपशप लगा के। अब हम लोग अंदर चल रहे हैं और चल के जो है ना वो करते हैं शॉपिंग। नहीं नहीं काशिप भाई नहीं। सो गाइस दुकानें जो है ना वो ऑलमोस्ट सारी बंद हो रही हैं, और हमें यहाँ से कुछ वॉलेट वगैरह लेना था, तो बस आज जो है ना सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोग को एक मज़े की टिप दे देती हूँ, ना किसी का गिफ्ट लो ना किसी को गिफ्ट दो, बड़े फ़ायदे में रहोगे, क्योंकि बड़ा जो है ना ये बैड सीन नहीं। नहीं ऐसा नहीं करो, प्याज के बिना तो अलग से नहीं करता, मेरे प्याज लागो खाने रायता अच्छा प्याज तो ला दो काट के ला दो यार, प्याज काट के ला दो यार, चार टुकड़े करके ला दो। गाइस हम यहाँ आए अल्लाह वाली बिरयानी खाने के लिए, मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ कि हम लोग यहाँ बिरयानी खाने आए हुए हैं और बहुत बहुत मज़ा आ रहा है, चिकन बिरयानी खा रहे हैं हम लोग, क्योंकि बीफ बिरयानी हमें मिली नहीं है अल्लाह वाली की, यहाँ पर आवाज़ आ नहीं रही होगी आपको, बाद में बात करूँगी। काशिप का फोन गिरा दिया, काशिप ने बैठे बैठे गाड़ी में से क्या हुआ था यार, अरे दादा काशिप छोड़े, काशिप भी कोई गलती कर सकते हैं लाइफ में, मुझे लगा भाई किसी का मोबाइल जो है ना हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बचा लिया। चूं भाई पता नहीं क्या हो गया, देखा तो लो भाई हम लोग गाइस ऐसे करके यूं करके टर्न हुए ना, तो हमारी गाड़ी में से काशिप का डैशबोर्ड पे मोबाइल रखते हैं, मोबाइल बीच रोड पे गिर गया, एंड यू नो मतलब हमारा मोबाइल चला गया था, सही है लेकिन अल्लाह ने बचा लिया, अगर गाड़ी गुजर जाती तो पिचक जाता, लेकिन अल्लाह बचाने वाला, मैं कहती हूँ कोई गाड़ी, और उस वक्त कोई गाड़ी बड़ी बात है कि रोड पर नहीं थी, वरना इस टाइम पर होती है, इसीलिए मैं एक बात हमेशा कहती हूँ हलाल की चीज तो हलाल की चीज, मतलब गिराने वाले से ज्यादा ना उठाने वाला बचाने वाला बड़ा होता है भाई, सीधी सी बात है। हाँ मुझे आज तक याद है, अभी पता है अरसलना के साथ जब एक वाकया हुआ था ना, उसका अरसलना का बैग लेकर गए थे हमारे घर के बाहर से, बिल्कुल उसका फोन लेकर वो लेकर गए थे बैग, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका मोबाइल बच गया था और उसे नजर नहीं आया था, इसीलिए जो है ना कभी किसी के साथ बुरा किया करें ना, तो बस इतना सोच लिया करें कि हम कितना ही किसी के साथ बुरा कर लें, अगर उसे बचाने वाली जात अल्लाह ताला की है ना, तो फिर कुछ नहीं कह सकते, वही वाली बात ना, होता इज्जु मंतशा होता जिल्लु मंतशा, इज्जत जिल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है, और जिसे अल्लाह ताला इज्जत देना चाहे उसे कोई जिल्लत नहीं दे सकता। गाइस आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते, मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।